इस वक्त हम हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अभी से लेके रात तक का वक्त है हमारे पास, तो देखना ये है कितने कम समय में ये शहर हमें क्या क्या दिखाता है। इस वक्त हम आ गए हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में। ये एशिया के सबसे बड़े ओपन म्यूजियम में से एक है। 200 एकड़ में फैले इस संग्रहालय में देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले अलग अलग समुदायों के जीवन शैली और विकास क्रम को बखूबी दर्शाया गया है। यहाँ आप अपने बच्चों, परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर आइए। बहुत ही अनोखी जगह है, आपको यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगले पड़ाव में हम आ गए हैं भारत भवन। भारत भवन में आपको भिन्न भिन्न तरह की कलाकृतियाँ मिलेंगी, वॉल पेंटिंग, मूर्तिकला, ग्राफिक पेंटिंग। भोपाल में कला प्रेमियों की पसंदीदा जगह है भारत भवन। चलते चलते हम पहुंच गए हैं भोजताल, जो दो भागों में बटा हुआ है, बड़ी झील और छोटी झील। माना जाता है एक समय में राजा भोज एक चरम रोग से ग्रसित थे और बहुत इलाज करने के बाद भी वे ठीक नहीं हो पा रहे थे। तभी एक संत ने उनको सुझाव दिया कि वे ताल का निर्माण कराएं और उसमें डुबकी लें तो उनके सभी रोग ठीक हो जाएंगे। राजा ने ठीक ऐसा ही किया और आज के समय में आप और मैं उसे भोज ताल के नाम से जानते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि राजा भोज के नाम पर ही भोपाल का नाम रखा गया है। यह है भोपाल का सबसे बड़ा ट्राइबल म्यूजियम, जो मध्य प्रदेश के गौंड, भील और कुरकू जैसी 7 जनजातियों को समर्पित है। इसे बनाने का श्रेय जाता है मशहूर आर्किटेक्ट रेवती कामत को। यहाँ आपको जनजातियों से जुड़ी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे उनके घर, मंदिर, खेल, अनुष्ठान और जीवन शैली। दिन ढल चुका है और रात परवान चढ़ चुकी है। भोपाल को ट्विन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका एक भाग तो हमने देख लिया। अब जा रहे हैं पुराने भोपाल को देखने। आधी रात हो चुकी है और भोपाल की गलियों में एक शॉप है, चौक के पास, मीठा पान। आहा, ये इतनी नफासत से पान बन रहा है कि क्या बताएं। तरह तरह के मसाले, गुलकंद इसके अंदर डाले जा रहे हैं। वैसे तो पान एक माउथ फ्रेशनर की तरह खाया जाता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा है कि पान को देखकर मुंह में पानी आ रहा है। तो भोपाल शहर में ये सफर यहीं खत्म होता है। जल्द मिलते हैं आपसे देश के किसी और कोने में। तब तक घूमते रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए चलत मुसाफिर।